तो देखिए आज मैंने बनाया है ये डोरमैट, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मार्केट जैसा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैंने व्हाइट कलर का एक कपड़ा कट किया है, तो अब इसके लिए मैं एक और कपड़ा कट कर रही हूँ नीचे के लिए, ये शॉल में से। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी कपड़ा लेंगे उसे नीचे की तरफ इस तरीके से बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने बिछा लिया है कपड़ा। अब इसके ऊपर जो मैंने कपड़ा कट किया था उसे रखेंगे, देखो इस तरीके से। अब इस पे हम जो आर्पिन होंगे, आपके पास नहीं है तो आप लंबे लंबे सुई से धागे भी भर सकते हैं, यानी कच्ची सिलाई भी कर सकती हैं, मगर मेरे पास ये आर्पिन है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें किनारे से थोड़ा दूर ऐसे आर्पिन लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे ताकि अच्छे से सिलाई हो जाएगी और अच्छे से कटाई हो जाएगी। इसी तरीके से आर्पिन लगा लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने किनारे से थोड़ी दूर आर्पिन लगा ली है, अब बहुत ही आसानी से इसकी कटाई हो जाएगी। तो देखिए मैंने चारों तरफ से कटाई कर ली है। आर्पिन को हम लगा रहने देंगे क्योंकि हमें इस पे सिलाई भी करनी है। तो पहले हम एक दूसरे से इसे अटैच कर लेते हैं, यानी इस पे सिलाई करके इसे चारों तरफ से, उसके बाद में ही आर्पिनों को निकालेंगे। तो चलो पहले हम सिलाई कर लेते हैं किनारे किनारे पर। तो देखिए मैंने इसके किनारे किनारे पर ये सिलाई भी कर ली है, मैंने मैचिंग के धागे से की है, आपको दिख नहीं रही होगी मगर मैंने सिलाई कर ली है। तो अब क्या करेंगे, आप आर्पिन भी निकाल सकती हैं मगर थोड़ी देर बाद निकालेंगे क्योंकि इस पर और डिजाइन भी बनानी है, उसके बाद ही आर्पिनों को निकालेंगे। पहले निकाल भी सकती हो, बाद में भी निकाल सकती हो, क्योंकि अब सिलाई हम बीच में करेंगे, साइडों से नहीं करेंगे। तो पहले इसकी डिजाइन कट करेंगे। अब इसमें से मैंने ये पत्ती टाइप में एक कागज का टुकड़ा कट किया है, देखो पत्ती टाइप में किया है। अब यहाँ पे इसके निशान लगाकर पेन से या पेंसिल से किसी में से निशान लगाएंगे, जैसे हमने ये कट किया है वैसे ही निशान लगाएंगे। छह या आठ पत्ती कट करेंगे इसी तरीके से। तो देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं, अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो देखिए इसी तरीके से बाकी पत्तियां भी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये सभी पत्तियों को कट कर लिया है और मैंने एक डिजाइन से इस तरीके से रख लिया है। आप छह कलियां भी कट कर सकती हैं, मगर बट मेरे ये सात कली आई है इसमें, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। अगर आप छोटा बनाएंगी तो छह कली आएंगी आपके में, अगर इससे भी बड़ा बनाएंगी तो आठ कलियां आएंगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब मैंने ये सेंटर पे उंगली रख के ये क्रम से लगा ली है। अब इसमें हम आर्पिन के साथ अटैच करेंगे, दो से तीन आर्पिन लगाते जाएंगे हर एक कली में, ताकि अच्छे से इसकी सिलाई हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी कली नहीं हो। तो देखिए मैंने किनारे से थोड़ा दूर ये आर्पिन लगाए हैं, ऐसे ही सभी में आर्पिन लगा लेंगे पहले। तो देखिए मैंने आर्पिन के साथ ये सभी कलियों को अटैच कर दिया है। अब इसकी किनारे किनारे पर इस तरीके से चारों तरफ सिलाई करेंगे। तो पहले सिलाई हम कर लेते हैं। तो देखिए सिलाई हम इस तरीके से करेंगे और मैचिंग के धागे से करेंगे। अब यहाँ से हम दूसरी कली पे लेंगे, तो ऐसे ही सभी कलियों की सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सभी कलियों को सिल लिया है, तो जो हमने आर्पिन लगाई थी उन्हें निकाल देते हैं, सभी आर्पिन निकालेंगे। तो देखिए मैंने सभी आर्पिनों को निकाल दिया है। अब देखिए मेरे पास ये थोड़ी सी ऊन है, इससे मैं आपको इस तरीके से दो उंगलियों पे फूल बनाऊंगी,
कम से कम 50 बार अंटे देंगे ऐसे ही। अब धागे को हम कट कर देंगे, ऊन के धागे को। उंगलियों के बीच में से धागा निकालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे कस के नॉट लगाएंगे। कस के नॉट लगाएंगे ताकि अच्छे से फूल बन जाए। तो देखिए मैंने ये दो नॉट लगा लिए हैं इसमें। अब इस पे सभी को हम कट कर देंगे धागों को, जो धागे के हमने अंटे दिए थे उस सभी धागों को कट करेंगे। देखिए मैंने सभी धागों को कट कर किया है। अब इन धागों को सभी को हम सेट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने ये सुंदर सा फूल बना लिया। तो देखिए मैंने ये फूल बनाया था। अब इसके ऊपर मैं 3 मोती लगाऊंगी, तो वे इस तरीके से लगाऊंगी। देखो बीच में हम धागे को, सुई और धागे को निकालेंगे। ये मैंने बीच में सुई और धागा निकाल लिया है। अब इसमें जो हमने ऊन का फूल बनाया था उसे लगाएंगे। देखो मैंने वो भी लगा दिया। अब इसमें 3 मोतियों को डालेंगे। हमने 3 मोती लिए हैं, उन्हें डालेंगे। देखिए फिर से सुई को नीचे डालेंगे इस तरीके से। देखो 3 मोती लग चुके हैं मेरे। अब फिर से धागे को हम नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से ये फूल की सिलाई कर दी है और धागे में नॉट भी लगा दी है। अभी इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये मेरा फूल लग के तैयार है। अब मेरे पास ये लीला कपड़ा है। अगर आपके पास कोई और कलर का कपड़ा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर बट मैं इसी से लेस रखूंगी इस पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अब उठा के रख देंगे क्योंकि ये डोर मैट मेरा तैयार है, सिर्फ लेस रखना बाकी है। अब इसकी हम 3-3 इंची की पट्टियां कट करेंगे। तो पहले इसकी 3-3 इंची की हम पट्टियां कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 3-3 इंची की पट्टियां कट कर ली हैं। अब इसे हम यहाँ पे जोड़कर लेस बना के मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से लेस बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हम मैचिंग के धागे से ही अपनी जो लेस बना रहे हैं चुन्नट वाली, उसे हम बनाएंगे। छोटे छोटे चुन्नटे लगाते जाएंगे इस तरीके से। देखो और लेस को बनाते जाएंगे। चुन्नट वाली लेस देखिए कितनी आसानी से बन के तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से चुन्नट वाली लेस हम बना के तैयार कर लेते हैं। देखो कितनी आसानी से चुन्नट वाली लेस ये बन के तैयार है। तो देखिए मेरे ये लेस बना ली है। अब इसे इस डोर मैट पर रखूंगी, तो इस तरीके से रखेंगे उल्टी, सीधे डोर मैट पर उल्टी लेस। देखो आप देख रहे होंगे मेरा सूदा डोर मैट है ये सीधे, और मैं उल्टी डोर मैट के ऊपर रख के लेस को लगा रही हूँ। ऐसे ही रख ले।
तो देखिए मैंने किनारी पे उल्टी तरफ यानी उल्टी लेस रख के और सीधी तरफ मैंने सिलाई की है लेस की। अब मैं सीधी करके इस तरीके से द्वारा से इसकी सिलाई कर रही हूँ, किनारी किनारी पे इसी तरीके से द्वारा से मशीन फेरेंगे ताकि ये लेस अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से इस पे गोलाकार में पूरे पे यानी सभी पर। तो देखिए मेरा ये डोर मैट पूरी तरह से तैयार है यानी बनके तैयार है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।